वकील के साथ मारपीट मामले में दो पुलिसकर्मी सस्पेंड। बाहरी जिला डीसीपी हरेंद्र कुमार ने टेक्स्ट मैसेज के जरिए बताया कि एसीपी मंगोलपुरी ने मामले की इंक्वायरी की और पाया कि दोनों पुलिसकर्मी प्रोफेशनल तरीके से स्थिति पर नियंत्रण नहीं कर पाए और अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए दोनों को सस्पेंड करके थाने से हटाकर डिस्ट्रिक्ट लाइन में भेज दिया है। बाहरी दिल्ली स्थित मंगोलपुरी इलाके में शुक्रवार शाम को पुलिसकर्मियों द्वारा वकील से मारपीट का मामला सामने आया है। अधिवक्ता ने पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसका फोन छीन लिया और उसकी घड़ी तोड़ दी। अधिवक्ता ने अपने साथ हुई मारपीट का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है जिसमें उन्होंने व्हाट्सएप पर वायरल किया था। इस वीडियो में अधिवक्ता आप बीती सुनाते हुए बता रहे हैं कि उन्होंने मंगोलपुरी के पास स्थित एक पेट्रोल पंप से पुलिस को 112 पर कॉल किया जिसके पुलिस वालों ने सिविल वर्दी में आकर डंडे से मेरे साथ मारपीट की। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने मुझे पीसीआर में बैठाकर मेरे साथ मारपीट की। वहीं अधिवक्ता का वीडियो सामने आने के बाद विभाग ने दोनों पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए दोनों पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। अधिवक्ता के साथ मारपीट करने वाले पुलिस कांस्टेबल का नाम सुमित और सनी बताया जा रहा है। मंगोलपुर थाने में एक वकील भाई के साथ मारपीट हुई है। अपना मंगोलपुरी खुले अपना जो पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, वहां पे मैंने बीच बचाव करा इन भाइयों के लिए और इन भाइयों के करते करते पुलिस वालों को मैंने कॉल करी 100 नंबर पे और 100 नंबर में मैंने कॉल करके ये हेल्प कराई है। अपनी पुलिस वाले का नाम नहीं पता, बट रेड टी शर्ट है। अच्छा, वर्दी में नहीं था। वर्दी में नहीं था, लठ लेके आया है और लठ लेके मारा है उसने और पीसीआर में बैठ के मुझे मारा है। मैंने वीडियो लाइव करने की कोशिश की, वीडियो लाइव करते करते भी उसने मेरा फोन खोस लिया। मैं स्मार्ट वॉच थी, स्मार्ट वॉच के थ्रू मैंने सबको कॉल करा है। अच्छा, अदरवाइज कोई उन्होंने मेरे जरिया छोड़ा ही नहीं। वीडियो मेरा फोन मेरा आज भी नहीं है, पगड़ी मेरे हाथ में है और थप्पड़ मुझे यहीं पे मारा है। जो ये अपना वीडियो है, ये हालत है वकील भाइयों की। वकीलों के साथ ये हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा।